हनुमान जी कहीं रुकते नहीं है, सीधे पहुंचते हैं लंका के तट पर, सागर पार करके। बहुत सोचते विचारते हैं, पूरा मुआयना करते हैं, अंत में सोचते हैं कि घुसना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि व्यवस्था बहुत टाइट है रावण की। एक मच्छर का वेश बना करके जैसे ही घुसते हैं ना गेट के अंदर, वैसे वहां की राक्षसी एक है लंकिनी पकड़ के कहती है, चोर रुको 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 रुको। और जैसे वो चोर कहती ना, तिल मिला जाते हैं, गुस्सा तो पहले से भयंकर था, एक घुसा जोर का देते हैं, और जैसे घुसा देते ना वैसे पवित्र हो जाती है। मालूम है क्या कहती है? कहती है मेरा बड़ा भाग्य कि हमको सत्संग मिला। देखो कई बार आदमी जो है ना प्यार से बात समझता नहीं है तो उसको ठोकना पड़ता है, उसके लिए वही संग और सत्संग है। चार बार समझाओ अपने लड़के को, जब ना समझे ना तो डंडा उठाओ बड़ा वाला। हमारी अम्मा बड़ी मारती थी हम लोगों को, कसम से हमको याद है। और आपको सच बताएं, हम घर में अगर गलती करते थे तो बच नहीं सकते थे, उसको याद रहता था। अगर मौके का, जैसे मान लो छोटा भाई पिटाई हो रहा है उसका, तो हम भाग गए, तो जब थोड़ी देर बाद आया तो हम सोचते थे कि गुस्सा ठंडा हो गया होगा तो ये भूल गई होगी, तो कहीं हम भूले नहीं है, अभी तो तुम्हारा डोज बाकी है। पीट पाट करके फिर कहती थी तुम्हारे भले के लिए पीट रहे हैं कि तुम सुधर जाओ, हाँ तुम गलती मत करो, तुम आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो मैं इसलिए सुनाया ना कि आप लोग भी अपने बच्चों को लाड प्यार करो, लेकिन इतना मत पुलका दो कि आपके ऊपर चढ़ करके और आपको कहे फलाने जी सुनते नहीं हो। ऐसे बच्चे होते हैं अपने पापा का नाम लेके कहते हैं मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना, काम करके आओ ठीक से। तो प्यार में तो ठीक लगता है लेकिन बाद में उसकी आदत हो जाती है तो फिर बड़े होने पर भी गलतियां करता है। हमने अपनी अम्मा की बेइज्जती नहीं की, ठीक है ना। हमारी माता जी ने अच्छा किया कि मारा पीटा, तभी तो हम लोग ठीक रहे। तो मतलब एक सीख लेके जाना कि पीटना, खूब पीटना, और ऐसा जगह पीटना था कि घाव उगे ना, ऐसा नहीं कि छाती में आंखी में काने मारो बहिर हो जाए, देख के मारो कि कहां ऐसा मारे कि चोट भी लगे और घाव भी ना निकले, नहीं तो आजकल तो थाने चल जाए लड़का। कई हमारे माई जो ने बाल उत्पीड़न कर रही है, कौन सा धारा लगेगा इसको अंदर करो। कोई 307 बता भी रहा है, निशान ना आए पिटाई हो जाए तब सुधर के रहेंगे बच्चा लोग। तो उसको पीटते हैं, उसके बाद क्या कहती है, तात स्वर्ग अपबर्ग सुख ये तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सृष्टि के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और सत्संग के एक छोटे से सुख को ना दूसरे पलड़े पर रख दीजिए, तो आपको मैं सच कहता हूँ आपको सत्संग का सुख ना जितना आनंद देगा बाकी कोई सुख नहीं देगा। सारे सुख आपको थका देते हैं लेकिन सत्संग आपको थकाता नहीं है, आपको और ऊर्जा से भर देता है। ये आप अनुभव कर रहे होंगे, आपको अगर आनंद नहीं आता तो आपने पति की बात नहीं सुनते हो जिसके लिए, जिसके साथ जीवन भर रहना है, तो 3 घंटा सत्संग कहां से सुन पाते आप? या तो भगवान से प्रेम है इसलिए सुन रहे हैं, या फिर आपको अच्छा लग रहा है इसलिए सुन रहे हैं।